गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू फ्रेशर क्लासेस। टुडे वी डिस्कस अवर फर्दर टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि इकोसिस्टम क्या है, ठीक है, उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट जान चुके थे। इकोलॉजी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसके बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कौन कौन से कंपोनेंट्स से हमारा क्या है, एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, ठीक है। तो इकोसिस्टम का बेसिकली दो पार्ट है। पहला क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है? एबायोटिक कंपोनेंट हम बोल सकते हैं इसको नॉन लिविंग कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स में जो बन के आया है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? बायोटिक को लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंपोनेंट, ठीक। तो ये नॉन लिविंग थिंग से बनता है हमारा एबायोटिक कंपोनेंट और लिविंग थिंग से बनता है हमारा बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। देखिए, अब एबायोटिक कंपोनेंट को फर्दर क्लासिफाई किया गया किसमें? फिजिकल फैक्टर, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में और ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, ठीक। तो फिजिकल फैक्टर में क्या क्या जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं टेम्परेचर क्या है, फिजिकल फैक्टर है, हमें गर्मी लगती है, तो वो क्या है? वो तो लिविंग थिंग्स नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स, वो एक तो फीलिंग है, हमारा सेंस है, ठीक है। टेम्परेचर क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है। ह्यूमिडिटी, लाइट, एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है? एक हमारा फिजिकल फैक्टर में आता है, ठीक है। ये सब भी क्या है? एक पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है, इसमें हमारा एबायोटिक कंपोनेंट में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा? इनऑर्गेनिक में वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये सब क्या है हमारा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट के। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक में क्या क्या आ जाएगा? जो हमारा लिविंग थिंग्स हम लोग जो प्रोड्यूस करते निकालते हैं, लिविंग थिंग्स से जो मिलता है हमें, जैसे प्रोटीन, प्रोटीन किससे मिलता है? लिविंग थिंग्स से मिलता है, लेकिन क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट में है ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि क्या होता है, ठीक है। तो और क्या हो जाएगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं हम दूसरे पहलू की। ये तो हो गया हमारा एबायोटिक कंपोनेंट की बात, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स की बात, ठीक है। अब लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। उसमें क्या क्या आ जाएगा? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि ग्रास। ग्रास क्या है? एक प्रोड्यूसर है जो कीट के लिए खाना बनाती है। अगर मान लीजिए कि एक ट्री, एप्पल ट्री मान लेते हैं, ठीक है, एप्पल ट्री, एप्पल ट्री भी क्या है? एक प्रोड्यूसर है हम लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं? एप्पल को खाते हैं तोड़ के, ठीक है। तो एप्पल ट्री क्या हो गया? ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ठीक, जो प्रोड्यूस करता है, तो प्रोड्यूसर। दूसरा क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या? एनिमल, एनिमल हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, जो कंज्यूम करता है, ठीक है, जो घास खाता है, ठीक है, तो खाने वाला क्या हम लोग बोलते हैं? कंज्यूमर। थर्ड क्या है हमारा? डीकम्पोजर। अब मान लीजिए हम लोग खाने के बाद हमेशा तो ज़िंदा नहीं रहेंगे, कभी न कभी तो डेथ होना है। तो डेथ होने के बाद हमारी बॉडी कौन खाता है? कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारा? डीकम्पोजर, ठीक है। ये क्या करता है? डीकम्पोज करती है हमें। जैसे अगर ग्रास को कौन खाता है? बकरी खाता है। बकरी को कौन खाता है? बकरी अगर मर गई, ठीक है, बकरी को शेर खाता है। शेर अगर मर गया तो कौन खाता है उसके बॉडी को? माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एक पार्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक। तो ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका IAS एग्जाम तक आता है कि हमारा जो इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो चेन होता है वो किस टाइप का होता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई होप यू गेट अंडरस्टैंड बेटर। फिर इसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।